इंडिया के हाईवेज पर गाड़ियों की संख्या पहले से कई ज्यादा है और ये अच्छी बात है क्योंकि हाईवेज आर्थिक विकास दर्शाते हैं और वो एक संकेत है बढ़ते व्यापार का, नव परिवर्तन का, संस्कृति का और अवसर का। गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से हाईवे सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो दबाव पड़ता है उसे टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन से कम करने की कोशिश हो रही है और अडोर इस बदलाव का भारत में नेतृत्व कर रहा है। पर असलियत में इसका मतलब क्या है, आइए विस्तार में देखते हैं हमारे एक ऐसे नूतनीकरण उपाय को काम करते हुए। ये है अडोर स्मार्ट हाईवे कंट्रोल सेंटर। कल्पना कीजिए कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सेफ हाईवे सॉल्यूशंस या SHS लागू हो गया है। ये हाईवे इमरजेंसी मैनेजर अविनाश की सहायता करता है दुर्घटनाओं या ट्रैफिक जैम्स को कुशलता से समझने में। अगस्त का महीना है और जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से अविनाश को चेतावनी मिलती है कि एक भयंकर तूफान आ रहा है और एक्सप्रेसवे उसके रास्ते में है। आधुनिक अडोर हाईवे कंट्रोल सेंटर में उस चेतावनी के बाद अविनाश और अन्य अधिकारी निरीक्षण करते हैं, एकजुट होकर सुलझाने का प्रयास करते हैं और SHS द्वारा मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे पर कई भागों में लगे हुए स्मार्ट कैमरा आने जाने वाली गाड़ियों की गिनती करते हैं। इस जानकारी से एनालिटिकल सॉफ्टवेयर एक्सप्रेसवे पर स्थित मौसम विभागों को आगाह करते हैं कि किन हिस्सों में ट्रैफिक स्लो होने की या रुकने की संभावना है। यात्रियों के समय और ईंधन की बचत करने के लिए कंट्रोल सेंटर टीम उनके सफर शुरू करने से पहले ही विविध तरह के मैसेज, सोशल मीडिया एप्स और GPS मैप्स की मदद से जानकारी देती है। अगर तेज बारिश होती है तो हाईवे पर लगे सेंसर्स ये जानकारी देते हैं कि कहां पानी भरने की संभावना है, ताकि अधिकारी वहां ट्रैफिक धीमा कर पाए और दुर्घटना होने की संभावना कम करे। उन जगहों पर पंप भेजा जाता है जिससे पानी निकाल सकें। बारिश और तेज होने पर अविनाश और उसकी टीम एक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रक्रिया इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। हाईवे के जिन हिस्सों पर तूफान आने की संभावना है वहां स्पीड लिमिट कम कर दी जाती है। तूफान आते वक्त हाईवे पर लगे LED संकेत अपने आप ये बताते हैं कि उचित स्पीड निर्धारित स्पीड से आधा है। इन यात्रियों को तुरंत वॉइस अलर्ट भेजा जाता है उनके GPS या मोबाइल फोन पर जब वो धीमी गति के जोन में प्रवेश करते हैं। साइस्मिक सेंसर्स द्वारा एक्सप्रेसवे के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी और चट्टानों की हरकतों पर नजर रखी जाती है। ये कंट्रोल सेंटर को आगाह करते हैं ताकि यात्रियों को संभव लैंडस्लाइड्स के बारे में चेतावनी मिल सके। स्मार्ट कैमरा की मदद से रेडार सुरंग में धुएं का पता लगा सकते हैं, जिसकी मदद से अविनाश और उसकी टीम दूर बैठकर आग और धमाके के खतरे का अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो कंट्रोल टीम एक टोइंग वैन भेजती है और टनल के प्रवेश में लगा VMS से बाकी यात्रियों को उस लेन से दूर रहने की सूचना देती है। अडोर एक्सप्रेसवे के अधिकारियों की मदद करता है तूफान से होने वाले नुकसान से यात्रियों को बचाने में। यूटिलिटी कंपनीज और टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के साथ मिलकर तूफान आने से पहले सुरक्षा उपाय लिए जाते हैं जिससे दुर्घटना ना हो और जगह महफूज रहे और तूफान जाने के बाद लोग सुरक्षित रहें। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर चीज पर निगरानी रखने के लिए किया जा सकता है, फिसलन भरे रास्तों से लेकर गति उल्लंघन और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के खराब होने तक। अडोर मदद करता है सहायता करने में, बचत करने में, दीर्घकालीन सुरक्षा में, हमारे शहरों को सुरक्षित रखने में, पर सबसे महत्वपूर्ण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को निखारने में। कल्पना कीजिए ये आपके लिए क्या कर सकता है। अडोर, पीस ऑफ माइंड।